हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार बच्चों, सुभाषीष मैं उत्तम सिंह राणा। आज मैं एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। ये एकदम नया और लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट है। जो बच्चे नवोदय इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह सेट बहुत ही लाभदायक होगा। आप अंत तक देखेंगे तो आप बहुत कुछ आपको सीखने को इस सेट के द्वारा मिलेगा। और एक रिक्वेस्ट रहेगी, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बच्चे नवोदय की तैयारी करना कर रहे हैं वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहें तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप क्लिक करके सीधे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उस पर मैंने बहुत सारा मटेरियल शेयर करता रहता हूं। और एक बात और है, इस पेपर को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहां से आप पेपर को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीधे चलते हैं नवोदय इंट्रेंस एग्जाम प्रैक्टिस सेट 9 पर। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं मैथ्स वाला पोर्शन। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो वह संख्या होगी। माना वह संख्या x है तो x का 20% का मतलब 20/100 बराबर 120। तो x का मान कितना जाएगा, 120 अपनी जगह पे रहेगा। इनका पक्षांतर होगा तो एक गुणा 100 ऊपर जाएगा, 20 नीचे आएगा। 20 का 0 कटा और 2 से काटिए तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, तो 100 छक्का 600। इसका मतलब 600 का 20% 120 होगा। निम्न में से कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो देखिए, 3 से पूर्णतः विभाजित वो संख्या होती है जिसके सभी अंकों का योग भी 3 से विभाजित होता है। तो इनको हम आपस में जोड़ेंगे तो 3 और 2 5, 5 में 9 जोड़ा तो 9 और 5 14, 14 में 6 जोड़ा तो 20, और 20 और 4 24, और 24 और 5 29, और 29 और 1 30। तो 30 में फिर हम जो है आप इनको जोड़ सकते हैं, 3 धन 0 तो 3 ही हो रहा है, तो 3 एकम 3, इसका मतलब बाहर जा रहा है। तो ये पूरी संख्या 3 से ही डिवाइड हो जाएगी। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है 6 बार 9 लिख दीजिए आप लोग, ठीक है ना। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 3 बार 0 और 1 आ जाएगा पीछे से, और इसका योग बता रहा है तो इसको आप जोड़िए 9 9 9 9 1 10 का 0 हासिल 1, 10 का 0 हासिल 1 और 10। तो ये हो जाएगा इतना, 1 के आगे 3 0 और 9 9 9। यदि इतना गुणा इतना है तो देखिए यहाँ जो है दशमलव लगा दिया इस पे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंकों के पीछे लग गया दशमलव तो भाग देना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसका उत्तर का गुणनफल ये होता है, बीच का जो भाज्य होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जो भाज्य है उसके 5 अंकों के पीछे दशमलव है और इस पे दशमलव नहीं है। तो इसका मतलब जो उत्तर आएगा उसके भी 5 अंकों के पीछे दशमलव होगा। अब संख्या उत्तर ये आएगा क्योंकि इन दोनों का गुणनफल ये है, तो 89 आएगा। तो 89 के 5 अंकों के पीछे तो यहाँ 1 2 3 तो हो गए, चौथा पांचवा यहाँ दशमलव होगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा ये वाला। सवालों को हल करने की जरूरत नहीं होती, फिर भी अगर आप हल करना चाहें तो आपका थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन तब भी आंसर इतना ही आएगा, आप करके देखिएगा। अगला है 48 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड हम क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। 2 से भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 3 6, तो ये 3 में 3 कही जाएगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड ये हो गया। 2 आ गया 4 बार, 1 बार 3, 4 बार 2, 1 बार 3, तो ये वाला सही होगा। इसमें देखिए दिए गए चित्र का परिमाप कितना होगा। ये यहां से शुरू है, देखिए यहां से 4 मीटर गया, यहां से यहां तक 3 मीटर गया, यहां से यहां तक हमें पता नहीं है, तो यहां से यहां तक भी 4 ही होगा, ठीक है ना। जब इधर 4 है तो यहां भी 4 होगा। ये देखिए यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 1 है, और यहां से यहां तक कितना होगा, यहां से यहां तक 3 है और यहां 2 है, तो यहां से यहां तक 5 होगा। तो इन सबको जोड़ दो, और ये 1 ये भी है, ठीक है ना। तो 1 और आ गया यहाँ, 5 और 1 6 और 2 8, और 4 12 3 15 4 19 और 1 20, तो 20 मीटर होगा। यहां देखिए इसको आपने जोड़ना है, तो 5
5.55, 5.55, 5.55 और 5.05, इसको जोड़ो तो 5 और 5 15 और 5 5 10 अरे 11 हासिल 1 5 15 1 16 16.155 आएगा। यहाँ देखिए आम की पेटियां हैं और यहाँ लिखा है कि एक बॉक्स बराबर 20 पेटियां। दुकानदार द्वारा मंगलवार एवं बृहस्पतिवार को कुल कितनी पेटियां बेची गई? तो मंगलवार और बृहस्पतिवार की पेटियां हमें देखनी है। तो देखिए मंगलवार को बेची गई 3 पेटियां, 1 2 3 यानी बेचतिया 60 हो गया, और बृहस्पतिवार को 1 2 3 4 5 यानी 20 25 100 हो गया। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 160 पेटियां बेची गई। 160 24 25 और 30 का लॉस हो, तो लॉस हो निकालने के लिए आपने क्या करना है, 24 25 और 30, 2 से 1, 2 1 2, 2 2 4 इसमें भाग नहीं जाता और इसमें भाग जाएगा 15 2 3 15 बार, फिर 2 से दिया 2 6 12 25 में नहीं जाएगा, 15 में भी नहीं जाएगा, 3 से दिया 3 2 6 और 25 में नहीं जाएगा, और 3 5 15 5 से देंगे तो 2 में तो हो गया, 2 5 5 25 और 5 1 5। अब इन सबका गुणा कर देंगे जो अभाज्य संख्या है, 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा ये 2 भी जो नीचे है ये भी अभाज्य है, इसमें 2 का भाग ही जाएगा गुणा ये 5, तो 5 2 10 10 5 50 और 50 3 150 150 2 300 और 300 2 600 तो एलसीएम होगा 600। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 24, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष बचे? हमने इसका लॉस निकालना है तो 24, 28 और 35, तो 2 से किया 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 8 और इसमें पे नहीं जाता है, 2 से दिया 2 6 12, 2 7 14, 35 में नहीं जाता है, 2 3 6, 7 में भी नहीं जाता, 35 में भी नहीं जाता, 7 का जाता है, 7 1 7 और 7 5 35, तो इन सब का हमने गुणा किया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा ये 3 और गुणा ये 5, तो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 5 3 15 15 7 105, 105 2 210, 210 2 420 और 420 2 840, तो 840 तो इसका लॉस आया। अभी कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 843, क्योंकि जब हम 3 जोड़ेंगे तभी शेष बचेगा। 3/5, 3/8, 4/6, 1/2 में सबसे बड़ी भिन्न, तो देखिए इसके ना अंश बराबर है ना हर बराबर है, इन सबका हम सबसे बढ़िया तरीका है नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में दे दो, तो 5 का भाग हम 3 में देंगे, यहाँ 0.6 तो 5 6 30 0.6 आया, यहाँ 8 का भाग हम 30 में देंगे 3 में देंगे तो यहाँ 0.0 8 3 24, यहाँ 6 का भाग 4 में देंगे यहाँ 0.0 6 5 30 6 6 36, यहाँ 2 का भाग हम 1 में देंगे 0.25 10, तो सबसे बड़ी भिन्न 0.6 वाली होगी, लेकिन बड़ी कौन सी होगी, ये दोनों में 0.6 आया, लेकिन यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ केवल 0.6 आया, यहाँ कुछ शेष बचेगा, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा यानी एक बार और भाग जाएगा, तो ये 4/6 जो है सबसे बड़ी भिन्न होगी। 5 मेजों का मूल्य 7 कुर्सियों के मूल्य के बराबर है, यदि एक मेज का मूल्य 210 है तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा? देखिए एक मेज का मूल्य दे रखा है 210, अब 5 मेजों का मूल्य और 7 कुर्सियों का मूल्य बराबर है, तो इसका मतलब हमें 5 मेजों का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा, तो 5 से गुणा करना पड़ेगा इसको, 5 5 5 5 और 5 2 10 यानी 1050 रुपए हो गया 5 मेजों का मूल्य, तो इसका मतलब 7 कुर्सियों का मूल्य भी इतना ही है, 5 मेजों का मूल्य भी इतना और 7 कुर्सियों का मूल्य भी इतना ही है, तो जब 7 कुर्सियों का मूल्य इतना है तो एक कुर्सी का मूल्य पूछा है, तो एक कुर्सी का मूल्य कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 का भाग दे देंगे 1050 में,
सात एकम सात, या 3 बचा 35, 7 पंजे 35, और ये 0 बचा तो 0 में 0 बार भाग जाएगा तो 150 रुपये होगा। पांच संख्याओं का औसत 10 है, इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। देखिए पांच संख्याओं का औसत है 10, यानी हर एक संख्या 10 है, तो टोटल योग कितना हो जाएगा पांच संख्याओं का। तो योग हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे तो 10 गुणा 5 हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा। अब कौन सी संख्या जोड़ी जाए, इसमें एक संख्या और जोड़नी है कि औसत 12 हो जाए। तो अब नया योग कितना हो जाएगा इसका, जब औसत 12 है तो क्या संख्याएं एक और जोड़ ले तो 6 हो गई, तो 12 छक्का 72। अब इसमें जो अंतर है, 72 में से आप 50 घटा दीजिए तो 22 का अंतर आया, तो यही 22 जो है जोड़ा जाए, क्योंकि 50 में जब हम 22 जोड़ेंगे तो नया 72 बनेगा, और नई संख्या आने के बाद संख्याएं 6 हो जाएंगी और औसत हो जाएगा 12। ठीक है, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 है ग्राम है। तो देखिए यहां पहले तो किलोग्राम है, यहां प्रतिशत तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ 12 ग्राम है, तो इसके यहाँ 3 किलोग्राम का भी हमें ग्राम बनाना पड़ेगा। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम, तो 3000 ग्राम का, 3000 ग्राम का कितने प्रतिशत, मानी x/100, x% बराबर 12, तो x का मान कितना हो जाएगा 12, तो अपनी जगह रहेगा, और गुणा 100, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, और ये 300 ऊपर है तो यहाँ नीचे आ जाएगा 3000। अब देखिए 2 जीरो कट गए, 2 जीरो कट गए, तो ये 12/30 आया। आप इसमें भाग देंगे तो 2 का जा रहा है, 2 छक्का 12, और यहाँ 15 आ रहा है, तो इसका मतलब 6/15। 6/15 का मतलब यहाँ दशमलव में दे रखा है, तो 15 से हम डिवाइड करेंगे 6 को, यहाँ दशमलव रखा 0, तो 15 चक्कू 60, तो 0.4%, 0.4%। एक रेलगाड़ी 6 घंटे में 432 किलोमीटर दूरी तय करती है, यह रेलगाड़ी 30 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए 6 घंटे में जा रही है इतनी, तो 1 घंटे में कितनी जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे में हम इसके 432, तो 6 घंटे में जा रही है तो इसका बटा 6 कर देंगे, यानी 6 का भाग कर, एक ही बात है, आप 6 का भाग भी दे सकते हैं या बटे 6 कर सकते हैं, और 23 घंटे का बताने तो गुणा 23 कर देंगे, तो इसको काटिए भाग दीजिए पहले, तो 6 7 42 और 6 2 12, अब 72 का गुणा 23 से करो तो 23 2 46 का 6 हासिल 4, और 23 7 7 21 और 7 2 14 2 16, 161, और 161 में 4 जोड़ेंगे तो 165, यानी ये जाएगी 1656 किलोमीटर, 1656 किलोमीटर। एक घड़ी को 1140 में बेचने पर 5% की हानि होती है, इस घड़ी को कितने में बेचा जाए कि इस पे 5% का लाभ हो। तो पहले हम इसका क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, और क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, माना क्रय मूल्य 100 रुपये, सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये। तो क्योंकि 5% हानि हो रही है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य इस हिसाब से कितना होना चाहिए, 5 रुपये कम होगा 100 रुपये तो 95। तो इसका जो वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करने का जो तरीका है, तो वास्तविक क्रय मूल्य हम क्या करते हैं, 100 का बटा 95 कर देते हैं, ठीक है ना, और गुणा 1140। तो देखिए 19 पंजे 95 और 19 छक्का 114, 0 में 0 बार भाग, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 10 व 5 गुणी 10, तो 100 गुणा 12, यानी 1200 हो गया क्रय मूल्य, 1200 रुपये। अब इसको 5% लाभ पे बेचना, बेचने अगर हम चाहें तो इसमें क्या करेंगे, 1200 का 5% निकालेंगे 5/100। तो देखिए 2 जीरो कटे, ये 2 जीरो कटे, तो 12 पंजे 60, यानी 60 रुपये का मुनाफा हम खाना चाहते हैं, तो 1200 में 60 हम जोड़ देंगे, या इसमें 1200 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 1260 रुपये। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगुना हो रहा है, तो माना धन 100 रुपये है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे,
तो 20 सालों में दोगुना हो रहा है, दोगुना का मतलब 200 हो रहा है। तो इस 200 में आपको पता होना चाहिए कि 100 तो हमारी यही है मूलधन और 100 रुपए ब्याज है। तो इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, मूलधन गुणा दर, दर हमें ज्ञात करनी है, एक्स गुणा समय लिखा है 20 वर्ष बटे 100 बराबर दुगुना हो रहा है, यानी 100 रुपए मिल रहे हैं इसमें ब्याज के, तो 100 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 100 तो यहीं रहेगा ऊपर, गुणा ये नीचे वाला 100 यहां ऊपर चला जाएगा, और ऊपर का 100 और ये 20 नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए 100 100 तो कट गया, और 20 से कम 20, 20 पंजे 100, यानी 5% की दर से इस पे ब्याज मिल रहा है। इसी दर से तिगुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो तिगुना होने में, तो वैसे तो आप अंदाज से सीधे कर सकते हैं, जब 100 रुपए दुगुना होने में 20 वर्ष लगे तो तिगुना होने में 30-40 वर्ष लगेंगे, लेकिन फिर भी विधि से निकालेंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, समय। तो समय के लिए हम क्या करेंगे, हो गया 100 रुपए गुणा एक्स, अब दर हो गई 5% हमें ज्ञात, और समय अभी हमें ज्ञात करना है बटे 100 बराबर। यहां देखिए जब तिगुना होगा तो 300 रुपये हो जाएगा, तो उसमें ब्याज कितना मिलेगा, 200, क्योंकि 100 उसमें हमारे ही है, ठीक है ना। तो यहाँ x का मान कैसे निकलेंगे, x बराबर 200 तो ऊपर अपनी जगह रहेगा, ये नीचे वाला 100 ऊपर जाएगा, और ऊपर वाला 100 और 5 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 100 100 तो कट गया, और 5 एक कम 5, 5 चौक 20, और 0 में 0 बार, तो 40 वर्ष आ गया। जब 20 वर्ष में दुगुना हो रहा है तो 40 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 पैसे प्रति मीटर की दर से कितना होगा। तो हम ये देखेंगे कि बीच में बिछाने, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछानी है, तो पहले तो इस दरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक कमरा जो है 20 मीटर, तो इसको ये कमरा है यहां 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, तो अगर हम, क्योंकि यहां दरी की चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो हम इसका सेंटीमीटर बनाएंगे, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यानी 100 से गुणा किया 2000 हो जाएगा, 100 से गुणा किया 1500 हो जाएगा, 2000 गुणा 1500 कर देंगे इसका क्षेत्रफल, और इसमें इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, तो 1 0 कटा, ये 0 कटा, 6 कम 6, 6 दुनी 12, 3 35 हुआ, 6 5 30, तो 25 को हम 2 से गुणा किया, 25 दुणा 50 हुआ, और ये 3 0, यानी 50,000 सेंटीमीटर लंबी दरी लगेगी इसमें। तो 20 रुपये 20 प्रति मीटर की दर से कितना लगेगा, तो इसके अब पहले हम मीटर बनाएंगे, तो क्योंकि 100 सेंटीमीटर का होता है, इसमें 100 से हम डिवाइड करेंगे, तो बटे 100, तो 2 0 कटा 2 0 कटा, यानी 500 मीटर लंबी दरी लगेगी रुपए 20 प्रति मीटर की दर से, तो यानी 20 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो 10,000 रुपए लगेंगे, तो इसमें होना चाहिए था 10,000 रुपए। यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत कितना। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देख इसको सबसे बढ़िया तरीका है, इसका लॉस निकाल दीजिए वहीं पे, जैसे 15 कम 15, 15 दूना 30, 15 3 45, 15 चौक 60, क्योंकि 60 में 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 15 से भी डिवाइड हो रहा है, तो एक अच्छा तरीका यही हो, सबसे बढ़िया तरीका होता है, माना 15 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 60 रुपये, तो 12 वस्तुओं का भी क्रय मूल्य भी बराबर है, तो 60 ही रुपये होगा। अब यहां एक वस्तु का हम क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो क्योंकि ये 60 15 वस्तुओं का 60 है, तो एक वस्तु का हो जाएगा 60 बटे 15, तो 15 कम 15, 15 चौक 60, यानी 4 रुपये, ठीक है ना। यहां 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 रुपये है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कितना हो जाएगा, हम 60 में 12 से डिवाइड करेंगे, 12 कम 12, 12 5 60, इसलिए मैंने 60 रखा था, तो आसानी से कट गया, तो 5 रुपये हो गया। तो अब यहां हम लाभ निकाल सकते हैं,
क्योंकि एक वस्तु 4 रुपए में खरीदे 5 रुपए में बेचे तो लाभ कितना हो गया, आपको पता है 5 में से हम 4 घटा देंगे तो 1 रुपए का। तो अब लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 होता है, तो लाभ 1 रुपया गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य वस्तु का कितना था, क्रय मूल्य 4 रुपए था, तो 4 से हम 100 काटेंगे तो 4 × 8 और 4 × 5 = 20, 25%, तो 25% का लाभ होगा। दो साइकिल सवार बराबर दूरी क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यह दूरी तय करने में एक सवार को दूसरे सवार से 16 मिनट अधिक लगते हैं, यह दूरी कितनी होगी। देखिए यहाँ पे ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है, ये 16 किलोमीटर, तो ये इसको क्योंकि यहाँ मिनट की बात है तो हम मिनट में इसको बदल लेंगे, तो 15 किलोमीटर जा रहा है 60 मिनट में, तो ये 16 किलोमीटर क्योंकि 16 किलोमीटर एक घंटे में जा रहा है तो हम देखेंगे 16 किलोमीटर जाने में इसको कितना समय लग रहा है, तो 16 किलोमीटर जाएगा तो पहले 1 किलोमीटर तो हो गया, हम 15 में 60 में 15 का भाग देंगे 60/15 और गुणा 16 करेंगे तो ये आ जाएगा 16 किलोमीटर जाने में कितना, तो 15 × 60 तो 16 × 64, तो इसको 64 मिनट का समय लगा इस वाले को, यानी अंतर कितना था, इसको तो 60 मिनट लगे क्योंकि एक घंटे में जा रहा है, ये 64 मिनट में जा रहा है, तो अंतर 64 में से 60 गया, 4 मिनट का अंतर, तो यानी 16 किलोमीटर जाने में 4 मिनट लग रहे हैं, तो 16 मिनट में कितना जाएगा, यानी 16 का कितना गुना है 4, 4 × 16 4 गुना है, तो ये दूरी भी जो है 16 की 4 गुना हो जाएगी क्योंकि इसकी चाल 16 किलोमीटर है, तो 16 × 4 तो 16 × 64 किलोमीटर जाएगा, ठीक है ना। तो वैसे भी आप हिसाब लगाएंगे तो इसको 64 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि 15 किलोमीटर जो है 60 मिनट में जा रहा है, तो 1 किलोमीटर जाएगा 60/15 गुणा 64, 15 × 60 और 4 × 16 का 6, 4 × 6 = 24 और 1 = 25, 256 मिनट लगेंगे। इसको कितना टाइम लगेगा क्योंकि एक घंटे में 16 किलोमीटर जा रहा है 60 मिनट में, तो 64 किलोमीटर कितने उसमें जाएगा, तो 60/16 × 64, तो 16 × 16 = 64 और 6 × 24 240 मिनट लगे। अब देखो इसको 256 मिनट लगे, इसको 240 मिनट लगे, तो इन दोनों का अंतर निकालो तो 16, ठीक है। तो इसका मतलब आपका सवाल बिल्कुल सही है। 28 फरवरी 2022 को सोमवार है, तो 28 फरवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। देखिए ठीक एक वर्ष बाद ये बात कर रहा है 28 फरवरी 2022 की और यहां कर रहा है बात 28 फरवरी 2023 की। तो 28 फरवरी 2022 को जो है सोमवार है, तो हम ये देखेंगे सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये जो वर्ष है ये लीप वर्ष है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, लीप वर्ष का पता कैसे करते हैं, 4 से डिवाइड करके। तो अगर अंतिम दो संख्याओं में 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाता है, ये 4 की विभाज्यता का नियम है। तो चूंकि 22 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 × 5 = 20 और ये 2 जो है शेष बच रहा है, तो इसका मतलब ये 2022 में 4 का भाग नहीं जाएगा, ये 4 से डिवाइड नहीं होंगी, इसलिए हम ये इसलिए ये वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं होगा, इसमें होंगे 365 दिन। तो हम देखेंगे 365 दिन में कितने सप्ताह आ रहे हैं, तो 365 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 × 5 = 35 और यहाँ एक बचा 15, 7 × 14, तो देखिए यहाँ एक दिन बच गया, तो इसका मतलब 52 सप्ताह ठीक आ रहे हैं इसमें। तो 52 सप्ताह में जो एक दिन छोड़ के जो पिछला दिन था, मतलब ये 28 फरवरी है, अगर यहाँ पे 27 मतलब 365 की जगह एक दिन हम कम करेंगे 364, तो भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी ये मानेंगे हम कि 27 फरवरी को यही पार होगा सोमवार। तो क्योंकि 28 फरवरी को पूछा है तो 28 फरवरी को मंगलवार होगा, एक दिन बाद की बात है ये आंसर। 10 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो देखिए क्योंकि घड़ी की सुई पे इधर 12 पे एक, जब मिनट की सुई 12 पे होगी और ये 10 पे होगी, तो क्योंकि हर घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है, तो
तो यहाँ पे 12-11 बजेंगे तो 30 डिग्री का, 10 बजेंगे तो 60 डिग्री का हो जाएगा। तो इन सबको आपने ऐड करना है। तो इसमें एक सही है, इसमें 11 है, इसमें 111 है, इसमें 1011 है। तो इन सबको पहले अलग जोड़ दो, क्योंकि जब ज्यादा ज्यादा है इनको अगर सही हटाएंगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा सवाल, इसलिए सही सही को अलग जोड़ो। 11 और 1, 1 2 3 4, यहाँ 3 2 1, 1234। तो ये सही सही आ गया। अब इनको अलग जोड़ो, 1/2 धन 1/2 धन 1/2 धन 1/2। तो इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो गया 4/2, यानी 2 2 4, तो इसमें 2 और जुड़ गया, तो 1236। ये 2.62 भागा 131 का मान, तो 131 से अगर हम इसमें भाग देंगे 2.62 में, तो इस देखिए 2 में नहीं जा रहा है, तो दशमलव हमने यहाँ उतारा, दशमलव के एक अंक तक हम भाग दे सकते हैं, तो नहीं जा रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ 0 बढ़ाया, तब हम यहाँ यानी 0 बार भाग दिया, कहने का मतलब 0 बार भाग दिया, तो यहाँ 26 आ गया और यहाँ 2 उतर गया। अब हम 131 2 ना 262 होता है, तो ये आएगा 0.02। ये वाला दिए गए दंड आरेख में किसी विद्यालय में विभिन्न कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को दर्शाया गया है। अब देखिए कक्षा एक में इतने बच्चे हैं, 2 में इतने हैं, यहाँ प्रश्न है कक्षा 1 2 कक्षा 3 में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो देखिए कक्षा एक में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, 20 पढ़ रहे हैं, कक्षा 2 में 30 पढ़ रहे हैं और कक्षा 3 में 10 पढ़ रहे हैं, तो कितना हो गया, 60 बच्चे हो गए। इसका मतलब तीनों क्लास में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं। इस तरह से ये मैथ्स का पेपर समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम हिंदी पहले करते हैं। अफसोस कि तुम इस राखी की कीमत नहीं जानते, छोटे छोटे दो धागे दुश्मन को भी मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ देते हैं। यह मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की बहादुर रानी ने मुझे अपना भाई बनाया है और बहादुर शाह ने मेवाड़ की हिफाजत के लिए मेरी मदद चाही है। तो क्या जहांपनाह ने उनकी प्रार्थना मंजूर कर ली है? यह प्रार्थना नहीं, हुक्म है। राखी आ जाने के बाद भी क्या कोई क्या सोच विचार किया जा सकता है? यह तो आग में कूद पड़ने का न्योता है। हम हर कीमत पर उनकी सहायता करेंगे। राखी के धागे कैद कर लेते हैं, शत्रुता को बढ़ावा देते हैं, शत्रुओं को भी प्रेम में बांध देते हैं, प्रेम को जकड़ लेते हैं। तो इससे इसका अगर हम सार देखें तो यह है कि शत्रुओं को भी प्रेम में बांध देते हैं। खुशकिस्मती का आशय है सौभाग्य। राखी किसने भेजी? मेवाड़ की रानी ने, जहांपनाह ने, चित्तौड़ की रानी ने, बहादुर शाह ने। तो जो राखी भेजी तो क्योंकि उसने मेवाड़ को बचाने की बात करी तो मेवाड़ की रानी ने भेजी। आग में कूद पड़ने का अर्थ है जल जाना, फफोले फट जाना, धुनी के ऊपर नाचना, तो ये है मुसीबत मोल लेना। जहांपनाह ने क्या निर्णय लिया? तो जहांपनाह ने निर्णय लिया था रानी की सहायता करने का निर्णय लिया था। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, प्रकृति के समस्त कार्य समय पर होते हैं, समय की गति बड़ी तीव्र होती है, जो उससे पिछड़ जाता है वह सदैव पछताता है, अतः आवश्यकता है समय के सदुपयोग की। समय वह धन है जिसका सदुपयोग न करने पर वह व्यर्थ हो जाता है। जीवन में वही व्यक्ति सफल हो पाते हैं जो समय का पालन करते हैं। हमारे देश में समय का दुरुपयोग बहुत होता है, बहुत से व्यक्ति समय गंवाने में ही आनंद का अनुभव करते हैं, यह प्रवृत्ति हानिकारक है। समय खोकर कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। जूलियस सीजर सभा में 5 मिनट की देरी से पहुंचा और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। सेना के कुछ देर से पहुंचने के कारण नेपोलियन को नेल्सन से पराजित होना पड़ा। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए समय की विशेषता है बहुत तेज गति, गतिहीनता, मंद गति, मूल्यहीनता। तो समय हमेशा देख गति बड़ी तीव्र होती है, तो इसका मतलब तेज गति से चलता है। समय का सदुपयोग न किया जाए तो समय क्या होता है, रुकता नहीं है, जमा भी नहीं होता है, धीमा भी नहीं होता है, बेकार चला जाता है। जीवन में वही सफल होते हैं जो समय का पालन करते हैं। निम्न में से समय के सदुपयोग का उदाहरण है बेकार की गप्पे लड़ाना, समय के दुरुपयोग का उदाहरण है
टीवी पर अर्थहीन कार्यक्रम देखना, चैटिंग करते रहना, ये सभी जो है समय का दुरुपयोग इनमें हो रहा है। नेपोलियन को किसने पराजित किया था? ऊपर बात आई है कि उसे नेल्सन से पराजित होना पड़ा। अपने पूर्वजों को की मान मर्यादा, धन दौलत और उनके द्वारा किए गए संस्कारों को बनाए रखना आने वाली पीढ़ी का कर्तव्य होता है। इसके साथ साथ उनकी इस धरोहर को आगे बढ़ाने का भार भी उन्हीं के कंधों पर होता है। इसके लिए उन्हें भविष्य में अधिक से अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। सही अर्थों में इसे ही खानदान की इज्जत बनाए रखना कहा जाएगा। परंतु कुछ मूर्ख लोग खानदान की मान मर्यादा को बनाए रखने का अर्थ गलत समझ बैठते हैं। वे काम करने को बुरा समझते हैं और मानते हैं कि उनके काम करने से खानदान की इज्जत घटेगी। इस झूठी शान को बनाए रखने के कारण न तो अपने प्रति और न अपने पूर्वजों के प्रति न्याय कर पाते हैं। सच्ची मान मर्यादा और खानदान की इज्जत उसको आगे बढ़ाने और बुलंदियों में पहुंचने में है, न कि झूठी शान दिखाने में। आने वाली पीढ़ी का दायित्व क्या है? ऊपर बात आई है कि उनके मान मर्यादा, धन दौलत और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को बनाए रखना आने वाली पीढ़ी का कर्तव्य है। तो इसका मतलब उपयुक्त सभी आंसर होगा। पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? पूर्वजों की, आने वाली पीढ़ी की, सरकार की। तो यहाँ ऊपर बात आई है कि इसके साथ साथ उनकी इस धरोहर को आगे बढ़ाने का भार भी उन्हीं के कंधों पर होता है, यानी आने वाली पीढ़ी के कंधों पर। तो ये जो पूर्वजों की विरासत आगे बढ़ाने का भार होता है, ये आने वाली पीढ़ी के कंधों पर होता है। पूर्वजों की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो कठोर परिश्रम करना चाहिए, ये ऊपर बात आई है। कुछ लोग काम करने को बुरा क्यों मानते हैं? झूठी शान बनाए रखने की भावना के कारण, मान मर्यादा का गलत अर्थ समझने के कारण। ये दोनों इसके आंसर हैं। झूठी शान दिखाने वाले किसके प्रति न्याय नहीं कर पाते? तो ऊपर बात आई है, वो स्वयं के प्रति भी न्याय नहीं कर पाते और अपने पूर्वजों के प्रति भी न्याय नहीं कर पाते। सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि सफल चिकित्सक के लिए प्रयोग करना बहुत जरूरी है। सुश्रुत ने लिखा है कि शल्य चिकित्सा के विद्यार्थी को पहले छेद्य भेद्य कर्म सीखने चाहिए। सुश्रुत शव की त्वचा भेद कर अपने विद्यार्थियों को शरीर की मांसपेशियों, हड्डियों तथा भीतरी अंगों का अध्ययन कराते थे। सुश्रुत का मानना था कि यदि कोई इस प्रकार का अभ्यास नहीं करेगा तो वह शल्य चिकित्सा नहीं कर पाएगा। अधूरे ज्ञान वाला चिकित्सक विषैले सर्प की से भी अधिक घातक होता है। सुश्रुत ने लिखा कि कुशल चिकित्सक बनने के लिए पुस्तकीय ज्ञान तथा व्यवहारिक प्रयोग दोनों ही जरूरी हैं। तो सफल चिकित्सक के लिए क्या आवश्यक है? यहाँ पर लिखा है कि सफल चिकित्सक के लिए प्रयोग करना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर होगा, ये होगा प्रयोग। सुश्रुत शल्य चिकित्सा का अभ्यास कैसे करते थे? तो यहाँ पे बात आई थी कि सबकी त्वचा भेद कर। तो सबका मतलब मृत शरीर की त्वचा को भेद कर। अधूरे ज्ञान वाले चिकित्सक को माना गया है विषधर, यानी सर्प से भी अधिक खतरनाक। देखिए कितने अच्छे ढंग से इन्होंने पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है। कुशल चिकित्सक बनने के लिए आवश्यक है तो क्या? गंभीर अध्ययन करना, व्यवहारिक ज्ञान होना, उपकरणों का ज्ञान होना, पुस्तकीय ज्ञान व व्यवहारिक ज्ञान दोनों। तो ये आप पर बात आई कि उसमें पुस्तकीय ज्ञान भी होना चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान भी दोनों होने चाहिए। सुश्रुत संहिता के लेखक हैं, तो सुश्रुत संहिता जो है सुश्रुत ने ही लिखी है। जब कोई युवा अपने घर से बाहर निकलता है तो पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है और थोड़े ही समय में कुछ लोगों से उसकी पहचान मित्रता में परिवर्तित हो जाती है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण में झलकता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और
हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाल सकता है, चाहे राक्षस चाहे देवता। घर से निकलने पर किसी युवा को पहली कठिनाई क्या होती है? तो यहां पे बात आई कि सबसे कठिनाई होती है मित्र चुनने की। तो मित्र चुनना सबसे बड़ी कठिनाई है। जान पहचान बढ़ते बढ़ते किस रूप में परिणित हो जाती है? तो जान पहचान जब बढ़ती बढ़ती है तो मित्रता के रूप में परिणित हो जाती है। हमारे आचरण पर किसका गुप्त प्रभाव पड़ता है? तो संगति का गुप्त प्रभाव पड़ता है। किस अवस्था में हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है? हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। तो इस अगर हम इसके पैराग्राफ पर गौर करें तो ये युवा अवस्था की बात कर रहा है, और युवा अवस्था में ही हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। उपयुक्त गद्यांश के लिए उचित शीर्षक क्या होगा? इसका जो सबसे अच्छा शीर्षक मुझे लग रहा है, ये लग रहा है युवा अवस्था और मित्रता। कि ये चार फिगर हैं, इसमें से तीन फिगर किसी न किसी रूप से समान है और एक फिगर अलग है। आपने उस अलग फिगर को आपने चूज करना है। और देखिए, इसमें पहला है जीओ डी गॉड आर ए टी रेट एस वी एन सन ई जी ओ ईगो। देखिए, तो यहाँ वॉवेल्स और कंसोनेंट की अगर हम बात कर रहे हैं, स्वर और व्यंजन जो इंग्लिश में होते हैं, तो यहाँ बीच में स्वर है, इसका भी बीच में वॉवेल है, इसका भी बीच में वॉवेल है, लेकिन यहाँ वॉवेल आगे पीछे दोनों तरफ है, बीच में कंसोनेंट है, जबकि यहाँ दोनों तरफ कंसोनेंट है, बीच में वॉवेल है, ये अलग है। यहाँ देखिए, ये लिफाफे की तरह फिगर बना हुआ है और इसके जो एक दो तीन चार पांच हैं, लेकिन ये छोटे बड़े हैं। इसमें भी देखिए, एक दो तीन चार बराबर हैं और एक दो छह इसमें दो बड़े हैं, इसमें पांच ही थे। इसमें देखिए, एक दो बड़े हैं और एक दो तीन चार छोटे हैं। इसमें देखिए, दो बड़े हैं, एक दो तीन चार छोटे हैं। तो इसका मतलब अलग कौन सा होगा? ये वाला, क्योंकि इसमें पांच हिस्से हैं जबकि सब में छह छह हिस्से हैं। यहाँ पे लिखा है टंग आईज नोज लिप्स। टंग का मतलब जीभ होता है और ये हमारी ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है ना। आईज भी ज्ञानेंद्रिया है और नोज भी ज्ञानेंद्रिय है, लिप्स ज्ञानेंद्रिया नहीं है। तो इसमें देखिए, ये निशान जो है तीर की तरफ है, यहाँ भी ये निशान तीर की साइड है और ये वाला भी निशान तीर की साइड है, जबकि ये अपोजिट ये गोले की साइड है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये अलग है। टमाटर आलू प्याज गाजर, तो आप देखिए टमाटर आलू प्याज गाजर ये तीनों फसलें जो है जमीन के अंदर होती हैं, प्याज भी गाजर भी और आलू भी, जबकि टमाटर जो है जमीन से बाहर होता है। इस प्रश्न में हमें क्या करना है? एक पहले फिगर दे रखा है, सेम उसके जैसा फिगर ढूंढना है। तो इसका देखिए, आधा यहाँ काला है, आधे पे यहाँ लाइनिंग जाली बनी है, आधे पे नहीं बनी है। इसके पूरे पे नीचे जाली बनी है, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इसका आधा ये है ऊपर, तो जिस तरह से इस पे जालियां बनी है उसी तरह से इस पे जालियां बनी है, तो ये आंसर होगा। इसको देखिए, ये है गुणा का निशान है, ये है, तो ये इस पे देखिए, ये तो बिल्कुल ये यहाँ ज्यादा काला हो गया अंदर वाला, जबकि ये काला ये थोड़ा पतला है। तो यहाँ देखिए, ये वाला बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है ना। इस पे बहुत सारे खाने बने हैं और यहाँ जो है वर्ग सीधा बना है। इसको देखिए, ये है, तो इसका जो है ए वाला ही मैच कर रहा है, ताकि ये सब तिरछे है। यहाँ देखिए, ये फिगर इस तरह से है, इसके दोनों तरफ बिंदी है। यहाँ देखिए, इसका लंबा हो गया तो ये तो हो नहीं सकता, ये इसका उल्टा हो गया ऐसा, तो ये भी नहीं हो सकता। इस पे बिंदी बिंदी है तो ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब आंसर डी होगा। यहाँ देखिए, दो काले इधर हैं, दो इस तरह से हैं, तो ये थोड़ा तिरछा बना हुआ है, इसके जैसे नहीं है, इसके जैसे बना है बी वाला। इसमें देखिए, तीन खाने भरे हुए हैं, एक आकृति के चार हिस्से किए गए हैं, एक हिस्सा इसी के आधार पे आपने भरना है, जैसे ये हिस्से भरे गए हैं, तो इसको हमेशा काटा गया है और बीच में गोला किया गया है। तो देखिए, इसका बिल्कुल ए वाला मैच कर रहा है, बाकी यहाँ प्लस का निशान हो गया, ये तीनों गलत हैं। यहाँ देखिए, इस तरह का फिगर है, यहाँ इसी हिसाब से आपने ये वाला फिगर भरना है। तो यहाँ देखिए, ये हम ऐसा करेंगे, ये ऐसा करेंगे, यहाँ काला कर देंगे और यहाँ पर
ये त्रिभुज बनाकर यहाँ भी काला कर देंगे। तो ये जो आकृति मैच कर रही है बी वाली फिगर से कर रही है। यहां देखिए इस तरह से है, तो यहां भी हम इसको ऐसा मिलाएंगे और इसको ये कर देंगे और यहां काला कर देंगे इसको, ठीक है। फिर इसको ऐसा करेंगे, यहां लाइनिंग हम मार देंगे, तो इसका जो ये काला है लाइनिंग है, तो देखो बिल्कुल ए वाला मैच कर रहा है, बाकी इसकी डायरेक्शन उल्टी है, ये बीच में है, ये भी इसकी डायरेक्शन भी उल्टी है। हाँ देखिए इसको हम पूरा करेंगे तो इसको इस तरह से मिला देंगे और ये गोला ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, यहाँ काला हो जाएगा। तो देखिए इसमें से जो काला है और तो ये मैच कर रहा है बिल्कुल सी से, ठीक है। और यहां देखिए इसको हम इस तरह से मिला देंगे और यहां सीधी लाइनिंग है, तो ये बिल्कुल ए से मैच कर रहा है, ये उल्टा है, ये तीनों उल्टी डायरेक्शन पर हैं। इन फिगर में एक निश्चित क्रम है, उसी क्रम के आधार पर ये इस यहां पर कौन सा फिगर आएगा ये आपको बताना है। तो यहां पे अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ दो है, यहाँ ऊपर तीन लिखा है, तो तीन और दो पांच, यहाँ देखिए छह है, यहाँ चार है, तो छह चार दस, बीच में इनका जोड़ है, यहाँ चार है, यहाँ पांच है, तो पांच और चार नौ। तो इसका मतलब ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जिसका जोड़ बीच में मैच कर रहा हो। तो यहाँ देखिए यहाँ चार लिखा है, यहाँ तीन लिखा है, तो चार और तीन सात लिखा है, तो ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो इसका मतलब यही होगा। अगर हम इस पे गौर करें तो पांच और तीन आठ, यहाँ नौ लिखा है, तो ये मैच नहीं कर रहा है। यहाँ आठ है, नौ है, तो आठ आठ सोलह सत्रह, तो यहाँ पे ग्यारह लिखा है, ये भी नहीं कर रहा है। यहाँ चार है, यहाँ पांच है, पांच चार नौ है, यहाँ सात लिखा है, तो इसका मतलब आंसर सही यही है। यहाँ दो कैपिटल बी है, यहाँ दो, यहाँ देखिए बी और यहाँ एफ है, बी को प्लस सी डी ई छोड़ के एफ, एफ के बाद जी एच आई, अब इसको छोड़ के जे, तो जे के बाद के एल एम छोड़ के क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए बी ई है, तो बी सी डी और ई दो छूटे, एफ जी एच, एच के बाद दो छूटेंगे एच आई और जे, तो इसका मतलब के आएगा, तो एन के आंसर बिल्कुल सही है। इसको हम देखेंगे तो दस और एक ग्यारह, छह तीन नौ, दो का अंतर है, ठीक है ना। यहाँ ग्यारह या नौ, चौदह और पांच उन्नीस, और यहाँ दस और सात सत्रह, देखिए यहाँ भी दो का अंतर है, यहाँ सत्रह ही उन्नीस है, इसको हम जोड़ेंगे तो ग्यारह और दो तेरह, और यहाँ सात और चार ग्यारह, यहाँ भी देखिए दो का अंतर है, तो हमने ढूंढना है जिसमें दो का अंतर हो। अट्ठारह आठ होते हैं यहाँ छब्बीस, और यहाँ चौदह में ग्यारह जोड़ेंगे तो दस चौबीस और पच्चीस हो रहे, तो देखिए यहाँ एक अंतर हो रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पंद्रह तीन अट्ठारह, और यहाँ छह चार दस, यहाँ बहुत ज्यादा अंतर हो रहा है, ये भी गलत है। यहाँ सोलह सात कितने होते हैं, सोलह और सात होते हैं तेईस, और यहाँ बारह और नौ इक्कीस, देखिए यहाँ दो का अंतर है बिल्कुल, यहाँ तेईस है, यहाँ इक्कीस है, इसका मतलब आंसर सही यही है। इस वाले प्रश्न पे कोई विशेष तर्क नहीं बन पा रहा है, मैं जो समझ पा रहा हूँ इसको, तो यहाँ चार अक्षर हैं, तो यहाँ तीन है, यहाँ तीन है, तो यहाँ चार हो जाएंगे ए वाला। इसके अलावा कोई सा भी तर्क अगर आपको कुछ लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको क्या, आपका आंसर इसके अलावा कोई और आ रहा है। अगर आपका आंसर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो ठीक है ना, यहाँ वाई है, यहाँ वी है, यहाँ एस है, तो यहां देखिए एस टी यू और वी, वी के बाद डब्ल्यू एक्स और वाई, दो दो यानी दो दो लेटर छोड़ के हैं, तो यहाँ एस से पहले आता है आर और उससे पहले आता है क्यू, तो क्यू से पहले आएगा पी, ये आंसर होगा। देखिए ये फिगर है, इसको आपने पूरा करना है, और इस पे कौन सी आकृति फिट बैठ रही है, कौन सा फिगर आ रहा है, तो देखिए ये वाला फिगर आपको खोजना है। तो ये देखिए पहला ही फिगर है, इसको अगर हम पूरा करेंगे तो यहाँ पे ये मिला रखा है, ये ऐसा था, तो बीच वाला फिगर देखिए एक दो और ये बिल्कुल इससे मैच कर रहा है, ये देखिए थोड़ा चौड़ा दे रखा है ये, लेकिन इनमें से और कोई भी मैच नहीं कर रहा है। यहाँ देखिए इसको अगर हम पूरा मिलाते हैं तो ये वाला फिगर आपको खोजना है, और ये जो फिगर है ये वाला है,
इसको आपने पूरा करना है तो इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको सीधा आगे मिला दीजिए और यहाँ इसको ऐसा कीजिए, तो तब देखिए कौन सा फिगर मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इसका तो थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन इनमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, सबसे ज्यादा मैच यही कर रहा है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, ये बिल्कुल सही है। इसको आप पूरा कीजिए, इस तरह का फिगर आपको खोजना है। ज्यादा नुकीला बनाया गया है, ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों ही मैच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये इसकी चौड़ाई ज्यादा हो गई, तो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है ये वाला। इन प्रश्नों में आपको देखना है कि पहले का जो संबंध दूसरे से है, वही तीसरे फिगर का संबंध इनमें से किससे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए पी के बाद क्यू आता है, तो यहाँ आर के बाद एस आएगा, यहाँ यू के बाद वी आया, तो यहाँ डब्ल्यू के बाद एक्स आएगा, यहाँ ई के बाद एफ आया, तो यहाँ जी के बाद एच आएगा। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर हो गया ये वाला। ग्रेन जो है भंडार ग्रह में रहता है, तो वाटर यानी पानी कहाँ रहता है, तो जैसे यहाँ भंडार ग्रह में एक जमा रहता है, तो पानी जो है डैम में या बांध में जमा रहता है। धुआं के कारण प्रदूषण होता है, तो युद्ध के कारण विध्वंस होता है। पहाड़ों की रानी मसूरी है, तो योग नगरी जो है हरिद्वार है। एफ आई जी एस टी फाइट को ऐसा लिखा गया, देखो टी सबसे पहले आया लास्ट वाला, तो यहाँ सबसे लास्ट में आर है, तो आर सबसे पहले आएगा। ये आई जो है यहाँ पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे था, ये लास्ट में गया, तो यहाँ दूसरे नंबर पे ए है, तो ये लास्ट में जाएगा। यहाँ जी जो है तीसरे नंबर पे था, तो ये दूसरे पे आया, तो यहाँ तीसरे नंबर पे पी है, तो ये दूसरे पे आएगा। यहाँ चौथे नंबर पे H था, तो H जो है तीसरे पे आ गया, तो H जो है यहाँ पे चौथे नंबर पे E है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। तो पहले नंबर का F था, ये यहाँ सेकेंड लास्ट गया, तो ये पहले नंबर का जो P है ये यहाँ सेकेंड लास्ट जाएगा। तो R P E P A, R P E P A, यहाँ आपने बताना है दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए ये गोला तो वैसे ही रहेगा, लेकिन ये जो बी है ये शीशे की तरफ, पहले बी है, तो यहाँ बी शीशे की तरफ रहेगा और शीशे की तरफ उल्टा हो जाएगा ये इस तरह से। ये ए तो उल्टा ही रहेगा यहाँ, और ये सी इधर शीशे की तरफ मुंह करके, तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ बी एकदम उल्टा है, ये तो नहीं बनेगा, यहाँ भी बी उल्टा, ये नहीं बनेगा, ये वाला फिगर बनेगा शीशे में। फाइव का मुंह देखिए ऐसा ऐसा हो जाएगा, और डी जो है ऐसा हो जाएगा। तो देखिए इसमें डी की आकृति ऐसी और फाइव का मुंह ऐसा, देखिए बी वाले में है ये ऐसा है, तो ये तो वैसे ही दिखेगा, ठीक इसी तरह से दिखेगा, लेकिन ये जो क है ये उल्टा है, ये उल्टा है, तो ये जो उल्टा क है ये तो शीशे की तरफ उल्टा हो जाएगा, और जो उल्टा क है ये इधर उल्टा हो जाएगा ऐसा। तो ये वाला फिगर बिल्कुल सही मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये इस तरह से है, तो जो शीशे की तरफ हाथ ऐसा नीचे को है, तो ये शीशे की तरफ नीचे ही रहेगा, ये शीशे की तरफ ऊपर है तो ऐसा ही रहेगा, और इधर का हाथ ऊपर, ये तो देखिए बिल्कुल ए वाला मैच कर रहा है। यहाँ देखिए ये तीन बज रहे हैं, देखेगा तीन इधर देखेगा, ये नौ जो है जब उल्टा नौ नौ जैसे की तरफ बनेगा तो ऐसा बन जाएगा। तो ये जो मैच कर रहा है देखिए ये बिल्कुल डी वाले की तरह कर रहा है, तीन इस तरफ आ जाएगा शीशे की तरफ, और ये नौ ऐसा बनेगा, नीचे छह उल्टा हो जाएगा। इन फिगर्स में आपने बताना है कि ये टी की तरह जो शेप है ये इनमें से किसके अंदर छिपी है। तो अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर तो नहीं है, लेकिन यहां अगर हम देखेंगे तो ये देखिए ये वाला फिगर, ये बिल्कुल यहां छिपा हुआ है, ये जेड वाली शेप देखेंगे तो ये देखो ये यहां छिपी है। इस फिगर की हम बात करें तो ये तो बच्चों ने ऐसे ही किया है, इसमें केवल हमने ये वाला शेप ढूंढना था कि ये किसके अंदर छिपा है।
यहाँ पे बोली बी है। तो देखिए ये ए में थोड़ा सा मैच कर रहा है लेकिन पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे अंदर गोली भी है। तो ये जो है गोली सी में है तो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है सी से कर रहा है। ये इस तरह का फिगर है, तो अगर हम इसमें ये कर देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें और ये देखें, तो ये बिल्कुल पूरा मैच कर रहा है। ये इस तरह का फिगर है, इसकी नजदीक देखिए ये मैच कर रहा है, ये दो लाइन ये हैं और ये दो लाइन ये हैं और दो गोलियां एक इधर और एक इधर ये हैं। यहाँ देखिए कागज को पहले इधर मोड़ा, अभी दिख ऐसा लग रहा है कि कम मोड़ा लेकिन इस चित्र को देख के लग रहा है कि ठीक बीच में मोड़ा। फिर एक छोर इधर किया, यहाँ दो छेद किए, जब हम इसको इधर खोलेंगे तो यहाँ भी दो छेद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। फिर जब इस तरफ खोलेंगे तो यहाँ भी ऐसा हो जाएगा और यहाँ भी ऐसा हो जाएगा। फिर नीचे को खोलेंगे तो चारों तरफ ऐसा ही हो जाएगा। तो इसके आधार पे जो चित्र बनेगा ये वाला फिगर। इस कागज को हमने ये मोड़ा, पहले ऊपर को मोड़ा, फिर इधर को मोड़ा और इस तरह से काट दिया। तो जब हम काटेंगे तो यहाँ ऐसा बन जाएगा, यहाँ भी ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ भी ऐसा बन जाएगा और यहाँ भी ऐसा बन जाएगा। तो फिगर बनेगा डी वाला। ये वृत्ताकार कागज था, इसको पहले इधर मोड़ा, फिर ऊपर को मोड़ा और इसके इस तरफ से काट दिया और यहाँ ऐसा कर दिया। तो जब हम इसको इधर को नीचे को खोलेंगे तो पहले ये ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा और ये यहाँ ऐसा, नीचे भी ऐसा हो जाएगा। फिर इस तरफ खोलेंगे तो पूरा वर्ग यहाँ बनेगा और यहाँ बन जाएंगे वृत्त। तो जो शेप बनेगा ये बनेगा सी वाला। ये कागज ऐसा मोड़ा इस तरफ को, फिर ऊपर ऊपर से नीचे को मोड़ा, तब ये शेप ये बच गई। इसको हमने ये काटा तो इसको जो है यहाँ ऐसा हो जाएगा और इसको जब हम इधर को खोलेंगे तो यहाँ ये हो जाएगा और यहाँ भी इस तरह से हो जाएगा। तो इसको जब पूरा खुलेगा तो यहाँ पूरा ही गोला बन जाएगा और एक चारों तरफ ऐसे बन जाएंगे। तो ये बनेगा बी वाला। ये त्रिभुजाकार कागज को हमने पहले ये मोड़ा, फिर इधर को मोड़ा और फिर इसके इस तरह से कटे। तो जब हम इसको यहाँ पूरा खोलेंगे तो यह पहले तो यहाँ पे ये ऐसा हो जाएगा और फिर जब इस तरह खोलेंगे तो लगभग जो ये फिगर बनेगा, तो देखो ये वाला इधर बनेगा तो ये जब हम इसको खोलेंगे तो इधर भी ऐसा ही हो जाएगा, ऊपर ये पूरा ऐसा हो जाएगा। देखो तो ये इस पे मैच कर रहा है और नीचे से ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे मोड़ रखा है तो यह किनारे भी ऐसे हो जाएंगे। तो बिल्कुल डी वाले की तरह कागज की शेप हो जाएगी। एक प्लस का निशान है, एक गुणा का निशान है। तो अगर हम इन फिगर्स में गौर करें तो यहाँ देखिए ये प्लस का निशान हो गया, ये गुणा का निशान हो गया। एक गुणा का निशान और एक प्लस का निशान। अब बाकी ये जो बड़ा आयत है ये बाहर का ये वाला हो गया और जो ये छोटा वाला है ये अंदर का ये वाला हो गया। तो ये ज्यादा मैच कर रहा है बजाय इनके। यहां देखेंगे हम तो दो के अंदर ऐसा है और एक छोटा ये है। तो दो के अंदर ऐसा है, एक छोटा, ये बड़ा सा लग रहा है, दो के अंदर ये है तो ये थोड़ा छोटा है, ये वाला सही है। यहाँ देखिए ये वाला फिगर है तो ये वाला तो ये लग रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। देखिए सबसे ज्यादा जो मैच कर रहा है ये पहला वाला कर रहा है, ये दो गोलियां हैं, इसी के अंदर दूसरी गोली है, तीसरी वाली जो गोली है, तो तीनों गोलियां यहाँ पे आ गई और ये मैच, ये दोनों फिगर भी मैच कर रहे हैं, तो आंसर ये वाला होगा। इसमें देखिए ये इस तरह की शेप दे रखी है तो इसका जो मैच कर रहा है, तो ये चारों शेप है तो बी वाला सबसे ज्यादा मैच कर रहा है, ये चारों इधर और जो ये सबसे बड़ा है उसके अंदर ये, उसके अंदर ये, तो ये पांच पांच वृत्त है इसके अंदर। यहाँ देखिए ये हैच है, ये इस तरह का है, तो इसका देखेंगे हम तो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है ये इसमें कर रहा है, स्टार जो है ये वाला फिगर ये है, ये वाला हैच का निशान ये है और ये ट्रेंगल ये है, तो सबसे ज्यादा मैच कर रहा है डी वाला। तो इस तरह से ये फिगर वाले पूरे हुए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पेपर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय।